हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 22 जनवरी और 22 जनवरी से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और सभी क्वेश्चंस से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और आप इस वीडियो की PDF टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। साथ ही मैं आप लोगों को कल के लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि कल के करंट अफेयर का टारगेट हमने रखा था 20,000 लाइक का, लेकिन आप लोगों ने उम्मीद से भी बढ़कर यानी कि 22,000 से ज़्यादा लाइक दिए हैं कल के करंट अफेयर के वीडियो को, इसलिए इसके लिए आप लोगों को दिल से थैंक यू। बस यही रिक्वेस्ट है कि इसका रेशियो आप कम मत कीजिएगा, इसे दिन ब दिन बढ़ाइए ही, ताकि हम मोटिवेट हों और आप लोगों के लिए डेली ही करंट अफेयर के ऐसे ही बेहतर क्लास लाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में फिट इंडिया साइक्लोथैन की शुरुआत यह कहाँ से की गई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है गोवा से। गोवा में भी कहाँ? गोवा के पणजी से। लोगों में फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है पणजी से। और शुरुआत की किसने? जो हमारे खेल मंत्री हैं, इनका नाम क्या है? किरण रिजिजू जी। और इन्होंने ही फिट इंडिया साइक्लोथैन को हरी झंडी दिखाई है गोवा से। बात आई है हमारे खेल मंत्री की, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है अरुणाचल वेस्ट। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ से एक टर्म इम्पॉर्टेंट है, फिट इंडिया। तो आप सभी जानते हैं फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की है पिछले ही साल। इसकी शुरुआत की गई है 29 अगस्त 2019 से। और कहाँ से की गई? दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है। और सितंबर 2019 में जो शिल्पा अग्रवाल है, नाम याद रख लीजिए, शिल्पा अग्रवाल, इन्हें फिट इंडिया मूवमेंट की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। और अब हम बात कर लेते हैं पणजी की, जो कि गोवा की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो इनका नाम है प्रमोद सावंत, और यह गोवा के 13वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है? कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं, सत्यपाल मलिक। और जो गोवा है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो ये आप याद रखेंगे। साथ ही दो चीज़ें आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। कुछ समय पहले ही वेस्टर्न जोनल काउंसिल की 24वीं मीटिंग, इसका आयोजन गोवा में ही किया गया था। साथ ही भारत का 50वां फिल्म फेस्टिवल, ध्यान दीजिए, 50वां फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन किया गया था गोवा में ही। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NIC टेक सम्मेलन के दूसरे एडिशन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो NIC टेक, इसका भी हाल ही में दूसरा एडिशन, इसकी शुरुआत की गई थी नई दिल्ली से। और इसका उद्घाटन किया किसने था? इसका उद्घाटन किया था जो हमारे IT मंत्री हैं, नाम क्या है? रविशंकर। इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। बात यहाँ पर आई है रविशंकर जी की, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? पटना साहिब। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं NIC के बारे में। NIC यानी कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। और यह जो कॉन्क्लेव है, यह देश भर के सरकारी अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने और नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं यानी कि हाई क्वालिटी की सर्विस प्रदान करने में मदद करेगा। और इसी का जो उद्घाटन है नई दिल्ली में किया गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस NIC टेक का जो थीम था वह क्या था? थीम आप रट लीजिए, थीम थी टेक्नोलॉजीज फॉर नेक्स्ट जेन गवर्नेंस। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, टेक्नोलॉजी फॉर नेक्स्ट जेन गवर्नेंस इस बार की थीम थी। तो यह आप याद रखेंगे। और जो NIC है यानी कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। और इसकी जो हेड हैं, ये प्रेजेंट टाइम में कौन है? नीता वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुखोई विमान के पहले स्क्वाड्रन को किस सेना में शामिल किया गया है? तो इसे अभी हाल ही में शामिल किया गया है वायुसेना में। जो वायुसेना है, इसने अभी हाल ही में तमिलनाडु में स्थित तंजावुर बेस में इसे शामिल किया है। और यह ब्रह्मोस मिसाइल ले जाने में सक्षम विमान है। तो ये आप याद रखेंगे। अब यदि बात की जाए वायुसेना की, तो वायुसेना इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर को। और इसलिए 8 अक्टूबर को हम भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है? RKS भदौरिया। और डिप्टी हेड कौन है? HS अरोड़ा। तो दोनों ही नाम आप याद रखेंगे। अच्छा, वायुसेना का मोटो क्या है? तो इसका मोटो है नभ स्पर्शम दीप्तम। और यदि इंग्लिश में कहा जाए तो टच द स्काई विथ ग्लोरी, यह है इसका मोटो। तो मोटो भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत नेपाल सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट यानी कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है विराटनगर में, और विराटनगर में 260 एकड़ भूमि पर 140 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया है। और यह जो चेक पोस्ट है यह बहुत सारी सुविधाओं से लैस होगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वेट ब्रिज, फायर ब्रिगेड, सीसीटीवी और सार्वजनिक अनाउंसमेंट सिस्टम, ये सारी सुविधाएं होंगी इस चेक पोस्ट में। और ये जो चेक पोस्ट है, उद्घाटन तो किया गया है विराटनगर में, उद्घाटन किया किसने है? भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली जी, इन दोनों ने ही इस चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है। और ये जो चेक पोस्ट है इसे रोज़ाना 500 ट्रकों की आवाजाही को कंट्रोल करने के लिए तैयार किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। अब यदि बात की जाए नेपाल की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? काठमांडू। और काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? सार्क का। अभी मैंने बताया प्राइम मिनिस्टर का नाम जो कि है केपी शर्मा ओली, यहाँ की प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम है विद्या देवी भंडारी। और भारत और नेपाल के बीच एक एक्सरसाइज होती है, इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? सूर्य किरण। साथ ही नेपाल से ही रिलेटेड एक लड़की का नाम आप याद रखेंगे, इसका नाम है वंदना। वंदना जिसने कुछ समय पहले ही 126 घंटे लगातार डांस करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वें राष्ट्रीय आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका शुभारंभ भी हाल ही में किया गया था पुदुचेरी में, और यह एक हफ्ते तक चलेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों के 200 युवा हिस्सा लेंगे। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो आदिवासी युवाओं को विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है इसका मुख्य उद्देश्य, और इसी का शुभारंभ किया गया है पुदुचेरी में। तो पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? तो इनका नाम है वी नारायण स्वामी। और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ की राज्यपाल का नाम, इनका नाम क्या है? किरण बेदी जी। किरण बेदी जी जो कि यहाँ की उपराज्यपाल तो है ही, साथ ही यह भारत की पहली महिला आईपीएस है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी 50वीं बैठक की शुरुआत कहाँ हुई है? इसकी शुरुआत की गई स्विट्जरलैंड से, और स्विट्जरलैंड में भी कहाँ? स्विट्जरलैंड के दाओस से इसकी शुरुआत की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसकी थीम क्या थी? तो इस साल की थीम थी स्टैक होल्डर्स फॉर ए कोहेंसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, तो थीम भी आप याद रखिएगा। साथ ही यह जो विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक थी, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है भारत का? तो यह किया है पीयूष गोयल जी ने, तो यह आप याद रखेंगे। और यह बैठक थी WEF की यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? कोलोन स्विट्जरलैंड में। और बार बार यहाँ पर स्विट्जरलैंड का नाम आ रहा है, तो इसी से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा, 2019 में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया था इसमें स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा था, जबकि इंडिया की रैंकिंग थी 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 71वें रिपब्लिक डे में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे? तो ये होंगे ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। इनके बारे में मैंने आप लोग बताया भी है 2020 के रिपब्लिक डे में, 2019 में थे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रमाफोसा, और इस बार शामिल होने जा रहे हैं ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। बात की जाए यदि ब्राज़ील की, तो कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया। करेंसी क्या है? ब्राज़ीलियन रियल। अब मैं आप लोगों को ब्राज़ील से ही रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के और कुछ वैसे भी फैक्ट बताती हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ऐसा पूछा जाता है कि फीफा वर्ल्ड कप यह सबसे ज़्यादा किसने जीता है, यानी कि फीफा वर्ल्ड कप की अब तक की सबसे सफल टीम कौन है? तो यह है ब्राज़ील ही। ब्राज़ील ने अभी तक कितने खिताब अपने नाम किए हैं? कुल 5 खिताब, ये आप याद रखेंगे। और एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जो 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, यह ब्राज़ील में ही किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था। साथ ही अक्टूबर 2019 में जो ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी, इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था यानी कि प्रतिनिधित्व किया था प्रहलाद सिंह पटेल ने। और प्रहलाद सिंह पटेल जो कि हमारे संस्कृति राज्य मंत्री हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? दमोह मध्य प्रदेश। तो ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है? तो इंडिया इसमें रहा 76वें स्थान पर, यानी कि 76th पोजीशन पर। यह जो रैंकिंग है कुल 82 देशों के बीच जारी की गई थी, जिसमें भारत तो रहा 76वें स्थान पर। टॉप किसने किया है? डेनमार्क ने। तो डेनमार्क है टॉप पर। साथ ही कुछ समय पहले ही, यानी कि जो 2019 में करप्शन इंडेक्स जारी किया गया था, करप्शन इंडेक्स में भी डेनमार्क टॉप पर रहा था, जबकि भारत की रैंकिंग थी 78। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। और यह जो रिपोर्ट थी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, यह किसके द्वारा जारी की गई? यह जारी की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और इसके बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कुछ अदर इम्पॉर्टेंट रैंकिंग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि कुछ समय पहले ही जारी की गई है। जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 102 और टॉप पर है बेलारूस। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, जो कि चैरिटी से रिलेटेड है, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 82, टॉप किया है यूएसए ने। और कल ही मैंने आप लोग बताया था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 84 और टॉप किसने किया है? जापान ने। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, डूइंग बिजनेस रैंकिंग में इंडिया है 63rd पोजीशन पर, जबकि टॉप किया है न्यूजीलैंड ने। एक और इम्पॉर्टेंट रैंकिंग है ह्यूमन राइट्स इंडेक्स, जो कि दिसंबर 2019 में जारी किया गया था। ह्यूमन राइट्स इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंकिंग है 129 और टॉप किसने किया है? नॉर्वे ने। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जो जगत प्रकाश नड्डा है, ये बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यह किस क्रम के अध्यक्ष बने हैं? ये बने हैं 11वें क्रम के अध्यक्ष। और जो जेपी नड्डा जी हैं, इन्हें जून 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी के 11वें अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। ये तो है 11वें अध्यक्ष। पहले अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में, इसके बाद पहले अध्यक्ष चुने गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और जेपी नड्डा जी से पहले कौन थे? अमित शाह जी, जो अब गृह मंत्री हैं। तो ये आप याद रखिएगा। अब यदि बात की जाए जेपी नड्डा जी की, तो जो जेपी नड्डा जी हैं, ये पहली बार 1993 में हिमाचल प्रदेश से विधायक चुने गए थे। साथ ही ये हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण को मंजूरी दी है? यह मंजूरी दी है आंध्र प्रदेश ने, यानी कि आंध्र प्रदेश की होंगी 3 राजधानियाँ। ये 3 राजधानियाँ कौन कौन सी होंगी? विशाखापट्टनम, अमरावती और कुरनूल। जो विशाखापट्टनम है, यह होगी कार्यकारी राजधानी यानी कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती होगी विधायी राजधानी यानी कि लेजिस्लेटिव कैपिटल, और कुरनूल होगी न्यायिक राजधानी यानी कि ज्यूडिशियल कैपिटल। तो ये तीनों ही आप याद रखिएगा। अब यदि बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जेके माहेश्वरी। साथ ही यदि आप करंट से रिलेट करेंगे, तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने दिशा एक्ट लागू किया है। दिशा एक्ट, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी है। साथ ही दक्षिण भारत का सबसे पहला संस्कृत शिलालेख, यह पाया गया है आंध्र प्रदेश में ही। और कल ही मैंने आप लोग बताया था कि आंध्र प्रदेश के विजाग तट से, ध्यान दीजिए, विजाग तट से K-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था किसे स्पेन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर था पेड्रो संचेज। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, भारतीय सेना के उप प्रमुख निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में डिटेलिंग के साथ लिखिएगा। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आया है। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा, और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के वीडियो का लाइक कल से ज़्यादा ही रखिएगा। थैंक यू सो मच।